हाँ बोल। ओए सुन, वीकेंड आ रहा है भाई। एक काम करते हैं, केदारनाथ का प्लान बनाते हैं और हम दोनों चलते हैं। नहीं भाई, मेरे पास बहुत काम है, मैं फ्री नहीं हूँ, तू जा। अभी चलना यार, तू तो वैसे भी जॉब नहीं करता, पढ़ाता है और वीडियोस बनाता है, बहुत टाइम है तेरे पास। मेरा वीकेंड तो मत खराब कर। अच्छा एक बात बता, तुझे केदारनाथ क्यों जाना है? भाई वहां की वाइब्स देखना, दूर दूर से कितने लोग जाते हैं। रील्स नहीं देखता क्या? हाँ वो बैकग्राउंड म्यूजिक में जुबिन नौटियाल देखा और है। तेरे को केदारनाथ के बारे में कुछ पता भी है? भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है तू? तूने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया कि तुझे केदारनाथ क्यों जाना है। भाई इंसान मंदिर क्यों जाता है? आशीर्वाद लेने, पूजा करने। हाँ पर वो तो तू घर के मंदिर में भी कर सकता है ना, या केदारनाथ में ही भगवान सुनेंगे? भाई पर वहाँ इतने लोग जाते हैं, कुछ तो होगा ना। अच्छा तुझे क्या पूरा ट्रस्ट है कि भगवान सुनते हैं? हाँ भाई 100% मानता हूँ। ट्रस्ट है? दोनों एक ही तो बात है। अच्छा फिर तो तू ये भी मानता होगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं? हाँ 100% मानता हूँ। पर भाई ये सब तो क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं, बस जानना चाह रहा था क्या कि तुझे केदारनाथ क्यों जाना है। अबे चल बता, क्यों जाना है मुझे केदारनाथ? पहले प्रॉमिस कर, पूरा खोल के सुनेगा। क्या दिमाग और क्या, तूने क्या सोचा? नहीं नहीं तू बता बता। बिलीफ और ट्रस्ट, इन दोनों का मतलब डिक्शनरी में देखेगा ना तो तेरे को एग्जैक्टली सेम मिलेंगे, बट इन रियलिटी ये दोनों विलोम शब्द है। मतलब दोनों ऑपोजिट है? हाँ मतलब डिक्शनरी गलत गलत है? है। अभी तू पागल है क्या? डिक्शनरी कैसे गलत हो बोल इतना सकती है? दिमाग खोल के सुनियो, और अभी तो फोर प्ले पर फोकस कर, असली चीज तो 5 मिनट में हो ही जाएगी। ओके कंटिन्यू। अच्छा एक बात बता, आग में हाथ डालेगा तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। इस बात पे तुझे 100% भरोसा है? हाँ बिल्कुल है। अब क्या हाथ जला के दिखाऊं? और अगर मंगलवार को चिकन खा लेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अबे ये सब मैं नहीं मानता। हाँ पर हिंदू तो ट्यूसडे को अवॉइड करते हैं ना। अबे सबूत क्या है तू ये बता, इस बात का कोई बेसिस है? लास्ट ट्यूसडे को चिकन लॉलीपॉप की 2 प्लेट तोड़ी तेरे भाई ने और देख तेरे से बात कर रहा है। बिलीफ और ट्रस्ट में यही फर्क है, जिस भी चीज में हम बस मानते हैं क्योंकि लोग मानते हैं, जिस चीज का कोई बेसिस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो है बिलीफ। और आग से हाथ जलेगा ये तो तुझे 100% भरोसा है ही। हाँ दोनों ऑपोजिट तो है, पर तुझे कैसे चमका ये? बताऊंगा, क्लाइमेक्स तक तो पहुंचने दे। अच्छा पर लोग ये क्यों कहते हैं कि आई बिलीव इन गॉड? बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट इन गॉड। जिस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एहसास नहीं है, जिस चीज में हमें मानना पड़े, बिलीव करना पड़े, बिलीव एक दबा हुआ गहरा झूठ है। भाई ये सर के ऊपर से चला गया, ढंग से समझा। क्या बात है, बहुत डिटेल्स में जा रहा है। हाँ भाई समझना चाहता हूँ। चलो खुशी है समझ रहा है तू। हाँ तो कहाँ थे हम? बिलीव एक गहरा झूठ है। हाँ ठीक, आग वाले एग्जांपल को ना डेप्थ में समझ। आग जलाती है, इस बात पे तुझे बिलीव नहीं करना पड़ता, तुझे भरोसा है, यू ट्रस्ट ऑन दिस फैक्ट। और ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना चाहिए, इस बात पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव करते हैं। एक झूठ जब बार बार रिपीट किया जाता है तो वो सच लगने लगता है। हाँ, पर इससे मेरे केदारनाथ जाने का क्या रिलेशन है? तू बता अब। अबे तूने बोला था तू बताएगा। अरे दोबारा बोल, तूने रीजन क्या दिया था पहले? यही कि वहाँ की वाइब कितनी सही है और किस्मत वाले लोगों को मौका मिलता है और कुछ तो होगा ऐसा वहाँ पे जो लोग। ये बिलीफ है या ट्रस्ट? भाई बोल दे, कितना मन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि सालों से झूठ में जी रहा है। भाई यार बहुत अजीब लग रहा है। समझ रहा हूँ लगेगा, लेकिन अगर एक्चुअल में भगवान को जानना है ना तो पहले सारे झूठ को ठुकराना होगा। हाँ पर भाई बाकी लोग जो जाते हैं उनका क्या? वो क्या तुझसे अलग सोचते होंगे? और इनमें से 90% लोग जो केदारनाथ जाते हैं ना, वो मजे के लिए जाते हैं, रील्स देख के जाते हैं, वाइब देख के जाते हैं। उनको एक्चुअल में केदारनाथ जाने से कोई मतलब नहीं है, इनको बस मजे करने जाना है। तो बाकी के 10% लोग उनका क्या? 5% लोग जो जाते हैं ये भी बस भगवान को इमेजिन करके जाते हैं, इन्हें लगता है कि कोई है जो कहीं सुन रहा है, इनका भगवान भी काल्पनिक है, झूठा है। और बाकी के 5% भारत के सन्यासी ने जाना कि जितना ज्यादा पृथ्वी से डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉडी का इफेक्ट कम होता है, इसीलिए उन्होंने हिमालयस पे जाके ध्यान करना स्टार्ट करा और वहाँ एक एनर्जी का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। तो वो जो 5% लोग वहाँ पे जाते हैं ना, वो उस एनर्जी के एटमॉस्फेयर में मेडिटेशन करने जाते हैं, ध्यान करने जाते हैं। भाई मेरा दिमाग फट जाएगा, लिटरली हिल गया मैं। पर वो शिवजी वाली स्टोरी का क्या, वो झूठ है क्या? बिलीफ या ट्रस्ट? बिलीव भाई बिलीव, खत्म बात। लेकिन बाहर जाके ढोल मत पीटियो, लोग तुझे ही नास्तिक बोलेंगे। पर यार लोग कहानियों में इतना घुस क्यों जाते हैं? क्योंकि लोगों को दर्द नहीं मजा चाहिए, क्योंकि कहानियों में कुछ नहीं करना, बस बैठे रहो सुनते रहो राम और कृष्ण और महाभारत की कहानियां, और खुद को इस अहंकार से भर दो, इस ईगो से भर दो कि मैं भगवान के बारे में सब जानता हूं। क्या बात है, क्या बात है भाई, हल्के में ले रहा है क्या? पर तूने बताया नहीं कि तुझे चमका कैसे ये सब, तूने कैसे सोचा? शुरुआत संदीप महेश्वरी से हुई, फिर जय कृष्ण मूर्ति से लेके ओशो तक पहुंचे, और ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत सही है भाई, मैं भी इन्हें सुनना शुरू करूंगा और मेडिटेशन भी स्टार्ट करूंगा। अच्छा एक बात बता, तुझे क्या लगता है भगवान है या नहीं? हेलो, पता नहीं। एक सेकंड, भगवान है ये तू बिलीव नहीं करता, और ट्रस्ट तुझे अभी तक हुआ नहीं क्योंकि अभी तक तूने भगवान को एक्सपीरियंस नहीं किया। जब वो शक्ति को तू एक्सपीरियंस कर लेगा तभी मानेगा कि भगवान है ना, है ना? मेरे पास बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ, बाय। अभी सुन, हाँ।